चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप लोग अपना नाम लेते जाना। नाम लेके बताना कि आप लोग हो कि नहीं अटेंडेंस के लिए। जयंत मडारिया, गौतमी मंडावी, ठीक है, लोकेश्वर साहू, हेलो, यस सर, नीता गजबिये, संगम कुमार, ठीक है। चलो मैं अभी आप लोग को म्यूट कर दे रहा हूँ और क्लास के बाद मैं कुछ डाउट सेशन लूंगा, उस समय आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी सभी को कोई एक बता दो, स्क्रीन मेरी दिख रही है वहां पर आपके, इसमें आपके एंड पर मेरे को लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है ना, दिख रही है। चलो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा डायनेमिक एरे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है डायनेमिक एरे। कल हमने एक स्टैटिक एरे के बारे में पढ़ा था, तो हम जानते हैं कि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। किसी वेरिएबल का जो ग्रुप बना दिया जाता है उसको हम एरे बोलते हैं। एरे दो टाइप का होता है, पहला होता है स्टैटिक एरे और दूसरा होता है डायनेमिक एरे। दूसरा आपका जो है वो है डायनेमिक एरे। स्टैटिक एरे जो है इसकी साइज जो है चेंज नहीं की जा सकती है, और डायनेमिक एरे की जो साइज है वो चेंज की जा सकती है। डायनेमिक एरे की जो साइज होती है वो रन टाइम पर चेंज की जा सकती है। तो आज हम लोग देखेंगे डायनेमिक एरे और इसका एक एग्जांपल देखेंगे। सेम वही एग्जांपल देखेंगे जो हम स्टैटिक एरे में देखे थे, उसी को डायनेमिक एरे से बनाएंगे। तो देखते हैं कि हम डायनेमिक एरे से उसके उस एग्जांपल को कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर विजुअल बेसिक ओपन कर रहा हूँ। विजुअल बेसिक ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर फॉन्ट साइज मैं थोड़ी सी बड़ा कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो बटन बनाता हूँ, एक और स्टैटिक एरे के लिए रहेगा और एक डायनेमिक एरे के लिए रहेगा, और इसको इस तरीके से छोटा कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैप्शन में गया, यहाँ लिखा है स्टैटिक एरे और यहाँ लिख देता हूँ डायनेमिक एरे। क्लियर है? तो एक ही में हम दो प्रोग्राम बनाएंगे, एक स्टैटिक एरे से रन होगा और एक डायनेमिक एरे से रन होगा। तो सबसे पहले स्टैटिक एरे को एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, डिम ए 5 इंटीजर और ए 0 इक्वल टू मैं लिखा 10। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये मैंने एक एरे बनाया है जो कि एक स्टैटिक एरे है, और स्टैटिक एरे का ये वन डायमेंशनल एरे है। और मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इक्वल टू 0 to 4 और इसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ ए आई करके। ये मेरा एक स्टैटिक एरे से एक मैंने एरे बनाया, उसकी साइज थी 5, मैंने 5 वैल्यू स्टोर कराई और लूप चला के उसको प्रिंट करा दिया। रन करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, आउटपुट आया। अब डायनेमिक एरे से यही प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैं फॉर्म ओपन किया, मैंने डायनेमिक एरे पे डबल क्लिक किया,
डायनेमिक एरे पे डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक डायनेमिक एरे बनाता हूँ। डायनेमिक एरे की खास बात ये होती है कि उसमें जो स्टार्टिंग साइज होती है वो हमको ब्लैंक देना होता है। तो मैंने यहाँ पर जो साइज दी है वो ब्लैंक है, यानी कि ये डायनेमिक एरे। मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ डायनेमिक एरे, और ये जो है आपका क्या है, स्टैटिक एरे। बस डायनेमिक एरे की जो साइज होती है उसको हमें चेंज करने के लिए रीडिम कीवर्ड का यूज करना होता है। तो रीडिम कीवर्ड हम कैसे यूज करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखा, अब इस प्रिंट CLS लिख देते हैं, उसके बाद लिखते हैं प्रिंट IM डायनेमिक एरे, और इसके बाद मैंने रीडिम लिखा A4, इसकी साइज मैंने 4 कर दिया, और यहाँ पर मैंने वैल्यू 4 वैल्यू स्टोर कराई जा सकती है। सेम यही वैल्यू मैं स्टोर करा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ 5 वैल्यू थी तो अब यहाँ पर मैं 4 वैल्यू स्टोर कराऊंगा। क्लियर है? और लूप जो है वो 0 to 3 चलेगा, क्योंकि जो इसकी साइज है वो 4 है और इंडेक्स 0 to 3 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इतने कोड में यहाँ पर जो ए है इसकी साइज ब्लैंक है, इसलिए डायनेमिक एरे है, लेकिन यहाँ पर इसकी साइज फिक्स है, पहले से दे दी गई है, इसलिए स्टैटिक एरे है। दोनों को देखते हैं, रन कराते हैं एक साथ। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका छोटा कर देता हूँ ताकि एक साथ स्क्रीन पर दिखे ये आपको। इसको एक स्क्रीन पर दिखाने के लिए हम इसको CLS को इसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए तो दोनों ही कोड एक साथ दिख रहे हैं, और मैं स्टैटिक एरे को रन करता हूँ तो ये आया, ये वाला कोड रन हुआ है अभी स्टैटिक एरे में। और डायनेमिक एरे को रन करता हूँ तो पहले CLS हुआ। CLS जो होता है वो स्क्रीन क्लियर करता है, सी में जो क्लियर स्क्रीन काम करता है वही काम VB में CLS करता है। उसके बाद प्रिंट हुआ है IM डायनेमिक एरे, और उसके बाद रीडिम लिख करके उसकी साइज 4 की गई और 4 वैल्यू को प्रिंट कराया गया है। तो मैं चाहता हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लो। स्टैटिक और डायनेमिक एरे में डिफरेंस बताने के लिए ये प्रोग्राम काफी अच्छा है। मैं 5 सेकंड के लिए रुकूंगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद मैं डाउट सेशन भी करूंगा। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलो इसको बंद करते हैं, हम थोड़ा सा एक डाउट सेशन कर लेते हैं। अभी फिलहाल जिस किसी को कोई डाउट है, गौतमी अगर किसी को कोई डाउट है इस डायनेमिक एरे में तो आप लोग उसको पूछ सकते हो, कि अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि आपको कोई डाउट है कि नहीं इसमें। सरगम हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हुई है सर। CLS के बाद प्रिंट अच्छा, यहाँ पर डायनेमिक एरे क्यों लिखे है? यहाँ पर नहीं, ये IM डायनेमिक एरे केवल दिखाने के लिए है। अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ, अगर मैं इसे नहीं लिखता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा आएगा। फिर जब डायनेमिक एरे करूंगा तो ये 50 गायब हो जाएगा, 50 गायब हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि ये 50 गायब होने का कोड था कि 10 से 40 लाने का कोड था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि प्रिंट करा दिया है। प्रिंट करने से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर आप स्टैटिक एरे जो लिखे हो ये पूरा क्लियर होगा, और फिर डायनेमिक एरे में ये आएगा। इसको और अच्छे से देखना है तो आप ऐसा देख लो, मैं यहाँ पर 10 के बदले ना मैं यहाँ पे करता हूँ, अलग नंबर दे देता हूँ 56, ताकि और क्लियर होगा कि कौन सी चीज हट के यहाँ पर आई है, और आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखोगे तो कोड आपका क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर स्टैटिक एरे जब क्लिक किया तो ये आउटपुट आया आपका, और डायनेमिक एरे क्लिक करने पर वो पूरी स्क्रीन क्लियर हुई और आपको यहाँ पर IM डायनेमिक एरे लिखा हुआ आया, और ये चारों वैल्यू ही है। ये केवल डिस्प्ले करने के लिए है कि स्टैटिक एरे से हट के हमने यहाँ पर दिखाया है, और कुछ नहीं है, इसका कोई ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं है।
ताकि ये स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए है। ठीक है, आगे और किसी को कोई डाउट है संगम के अलावा तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। नीता गजब ये गौतमी ठीक है, अभी इसमें किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।